हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज का जो है ना वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, खासकर लेडीज़ के लिए। करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, इतनी जो फेस्टिवल्स आ रहा है, सो उसके लिए थोड़ा सा जो है ना, जिनकी भी स्किन जो है थोड़ी सी डल हो चुकी है बाहर शॉपिंग करते करते, जो है उनकी स्किन थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा अगर हो गई है, मतलब डस्ट सी हो गई है, थोड़ी सांवली सी हो गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सा टिप्स मैं लेकर आई हूँ। और अभी देख सकते हैं आप मेरे फेस पे, मैंने बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं किया है। एंड सबसे पहले जो है ना आपको लेना है चावल। चावल किस टाइप? चावल कच्चा चावल आपको लेना है, कच्चा चावल, भिगो वाला, भिगोया हुआ नहीं लेना है चावल। और कच्चे चावल में जो है ना आपको कच्चा चावल लेना है, किस तरह का वो, कोई भी चावल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही चावल मतलब लें, कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको दूध लेना है, दूध चाहे कच्चा हो चाहे पका हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कच्चा भी ले सकते हैं, पका दूध भी ले सकते हैं, चाहे मतलब उबला हुआ हो उसको ठंडा करके। और गुनगुना दूध नहीं लेना है, और अगर हल्का फुल्का भी गुनगुना है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, तो आप उतना भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, आपको उसमें मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से जो है ना उसको मिक्स करते रहना है, अच्छे से उसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद जो है ना वो इस टाइप का हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, खुद ही आप देख लीजिए। और बहुत प्यारा सा जो है ना ये पेस्ट बन गया है। और इसमें जो है ना आप ना इसको जो है थोड़ा सा बना लें, मतलब थोड़ा क्या, आप थोड़ा ज़्यादा इसको बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। कितने दिन रख सकते हैं अगर इतना बताऊं? 3 दिन रख सकते हैं, ठीक है। आप 3 दिन रख लें, जैसे कि आपने आज बना लिया, आज यूज़ कर लिया, कल यूज़ कर लिया एंड परसों यूज़ कर लिया बस, और इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। 3 दिन का आप जो है ना एक हट्टा बना के रख सकते हैं, और कोई भी अच्छा सा बॉटल या कोई भी कंटेनर वैसा अच्छे से रख लें और उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा और बहुत अच्छा चलेगा। और इसके बाद ना आपको इसमें कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ ये 2 चीज़ लगेंगी, बहुत ही सिंपल चीज़ है। चावल वगैरह घर में तो हमारे नॉर्मल है, मिक्सी में पीसने में, कच्चे चावल पीसने में टाइम नहीं लगता है, तो आप क्या है ना, अगर आप चाहें तो मतलब ये वाला तो मान लो 3 दिन आप बना के पेस्ट रख सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो कच्चे चावल जो होते हैं ना, आप जैसे छोटा वाला जार जिसके पास होता है, आप कच्चे चावल खूब सारे पीस के इकट्ठा जो है एक कंटेनर भर के रख लें फ्रिज में, वो काफ़ी दिन तक आपका जो है ना स्टोर रहेगा, काफ़ी दिन तक मैं बता सकती हूँ, बहुत दिन तक वो जो है ना आपका ख़राब नहीं होगा। तो आप उसे जो है ना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको बनाना है तो बस कच्चे चावल लें और बस मिक्स करके जो है दूध में आपको डाल के तुरंत पेस्ट बना जो है ना रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा जो है ना टिप्स दिया है मैंने आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीका है, तो आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, चावल बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। मैं भी मेरे कई कई महीने तक मेरे चावल फ्रिज में रखे रहते हैं पीस के, जो कि मैं होम रेमेडी वगैरह ट्राई करती रहती हूँ, तो वो बिल्कुल भी आपको नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्रिज में जो है ना स्टोर करके हमने रखा है। और ये देखिए मैंने इस तरह का जो है ना पेस्ट बना लिया है, और ये देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा ना सोख लेता है, तो मैं इसमें ना थोड़ा सा और मिल्क जो है ना ऐड कर ले रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा और ऐड कर ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने ज़्यादा आप लोगों के लिए, आप लोगों का टाइम नहीं लिया है, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपको बता दिया है। अब इसमें भी अगर आप लोग कुछ कमेंट करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मैंने हर चीज़ आपको बता दिया है। अब इसके बाद भी अगर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा चावल लेना है, कौन सा क्या लेना है, तो फिर आपको उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और चलिए मैंने ये ले लिया है, ये देखिए थोड़ा सा फूल गया था चावल, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और मैंने दूध ऐड कर लिया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद फेस को आप अच्छे से क्लीन कर लें, और अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो प्लीज़ अपना पूरा मेकअप जो है ना रिमूव ही कर लें, उसके बाद ही आप ये वाला जो है ना तैयार कर सकते हैं। इसको कितने दिन लगाना है, आपको डेली इसको सुबह जो है ना मॉर्निंग में जब हम नहाते हैं, नहाने से पहले इसको ज़रूर ट्राई कर लें। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सांवली है, तो आप इसे रात में भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई भी इससे नुकसान नहीं होगा, बिकॉज ये होम रेमेडी है। और बच्चों को भी आप जो है ना ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ होम रेमेडी आप लोगों को जो बताती हूँ वो बड़े से लेके बूढ़े से लेके बच्चे सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी आपके फेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, अगर आपको ये फ़ायदा नहीं किया तो आपके स्किन को जो है ना कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। एंड कहाँ कहाँ आप अपनी स्किन में लगा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दे।
तो मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगी इस रेमेडी से आपको किस किस चीज़ से जो है ना आपको फ़ायदा मिलेगा, और बहुत ही इजीली आप इसको जो है ना रेडी कर सकते हैं फेस पे, आप पूरे फेस पे एंड नेक पे जो है ना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको ना रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़े से चावल खड़े खड़े होते हैं, हमारी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट होती है, तो आपको इसको रगड़ के नहीं बिल्कुल भी स्क्रबिंग करनी है, बिल्कुल नॉर्मल करना है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर आप सुबह के टाइम मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप इसे बाथरूम में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरी चीज़ अगर आपको कहीं जाना है जल्दी में, नहीं आपके पास टाइम है कि इस रेमेडी को आप 15-20 मिनट लगा सके फेस पे, तो आप नॉर्मली ना 3-4 मिनट तक आपको इस तरह से जो है ना स्क्रबिंग कर ले अपने फेस पे, जहाँ भी आप लगाना चाहें और बॉडी में किस किस जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप नॉर्मली 3 मिनट तक इसको जो है ना इस तरह से रेमेडी तैयार करके अपने फेस पे और नेक पे जो है स्क्रबिंग करें, बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे से इस तरह से आपको स्क्रबिंग करनी है। और लिप में भी बहुत अच्छे से आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, और अंडर आई मतलब आईज़ के आसपास एरिया में सब जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये होम रेमेडी है तो ये बिल्कुल भी जो है ना आपको नुकसान नहीं करेगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो वो खासकर जो है हम लोगों को नुकसान कर देती है, पर ये ऐसा नहीं होगा। और बॉडी पे अगर लगाने की बात करें तो आप नेक पे लगाने का जैसे मैंने आपको बताया आप लगा सकते हैं, तो उसी तरह से आप पीछे बैक साइड जो है हमारे नेक पे बहुत ज़्यादा पसीना आता सबसे ज़्यादा, तो आप उसे जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 15-20 मिनट जो है 15 से या 20 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा के छोड़ दें, सूखने के बाद जो है नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, और इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और दोनों टाइम आप लगाएं यूज़ करें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड अगर आपके नोज़ पे पिगमेंटेशन है और जो ब्लैक लाइन मैंने आप लोगों से वीडियो में शेयर किया था उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। और फेस पे झाइयाँ हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा, पिगमेंटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट ये वाली जो रेमेडी है ना वो पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। और नोज़ पे मेरे पर कमेंट्स आए थे नाक पे छाया सी हो गई है तो उसके लिए क्या करें, तो ये रेमेडी भी जो है ना बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए भी जो है फ़ायदा करेगी। और कई ऐसी चीज़ें हमारे लिप के आसपास के जो है ना एरिया ब्लैक होता है बहुत से लोगों के, खासकर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है जो कि मेकअप में वो हाइड भी नहीं हो पाता है, लोगों के ज़्यादा ब्लैक होता है, तो खासकर ये रेमेडी अगर आप ट्राई करें। नॉर्मली हम सुबह फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, आप फेस वॉश ना यूज़ करके इस रेमेडी को यूज़ करिए, ट्राई करिए एक बार ज़रूर। और मैं ये नहीं कहूँगी आप 2 हफ्ते ट्राई करें 3 हफ्ते, आप इसको रेगुलर ट्राई करिए, 1-2 दिन ट्राई करने के बाद आपको नहीं फ़र्क समझ में आएगा। आप मुझे तो सच बता रही हूँ, तुरंत ही जो है मैंने जब ट्राई करा ना तो सच बता रही हूँ, मेरा फेस बहुत ही जो है ना अलग सा हुआ है, सही बता रही हूँ, मुझे काफ़ी जो फ़र्क समझ में आया है मैं इतना बता दूँ। मैंने बल्कि एक बार यूज़ किया है तब की बात मैं आपको बता रही हूँ, एंड मैं इसको रेगुलर कई बार यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रह पाता है। एंड आप देख सकते हैं मैंने हैंड में भी यूज़ किया, आप स्क्रबिंग के तौर पे आप हैंड में भी लगा सकते हैं इस तरह से, जैसे हम साबुन यूज़ करते हैं, आप साबुन वगैरह ना यूज़ करें फेस पे, फेस वॉश भी ना यूज़ करें और ये यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदेमंद होगा। और किस तरह के चावल बताऊं, तो कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल चावल, बहुत लोग फिर ऐसे कमेंट करते हैं कौन से चावल लें, तो मैं यही कहूँगी नॉर्मल कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं, पीस के उसको रख लें कंटेनर में, फ्रिज में स्टोर कर लें, और हैंड में है, घुटनों में है, जैसे अपने बॉडी में किसी भी जगह आपके ज़्यादा ब्लैक है तो अंडर आर्म्स में एरिया में जैसे ब्लैक होता है तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, होम रेमेडी है, आप इसे तो अपनी पूरी बॉडी में भी स्क्रबिंग करके लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि चावल वेस्ट जा रहे हैं, तो ये बताइए अगर हम जो फेस वॉश यूज़ करते हैं जितनी भी केमिकल वाले भी ज़रूर उसमें केमिकल होते हैं, बट उसमें हमारे घर की कई ऐसी चीज़ें हैं होम रेमेडी भी उसमें ऐड वो लोग करते हैं, तो अगर आप बचना चाहते हैं केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने से जो हार्म होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये होम रेमेडी बना सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है, किसी चीज़ की आप बर्बादी नहीं कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी बर्बादी आप नहीं कर रहे हो, नॉर्मल आपको थोड़ी चीज़ें लेनी यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये घर की चीज़ें हैं तो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद भी है, और इसके लिए हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और मतलब ना मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है तो मैं खुद समझ पा रही हूँ बहुत फेस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेंजमेंट आया था जब मैंने इसको यूज़ किया है।
तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, करवा चौथ आ रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, लेडीज़ इसे यूज़ कर सकते हैं, मैन यूज़ कर सकते हैं, आपके हस्बैंड्स यूज़ कर सकते हैं, बच्चे हैं आपके घर में, कितने भी छोटे बच्चे हो, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे आँख वाँख में जाने का वो रहता है, पर बड़े से बड़े लोग भी इसे जो है ना यूज़ कर सकते हैं। नोज़ भी देख सकते हैं आप, धीरे से इस तरह से आप स्क्रबिंग करें नोज़ पर भी, चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम है ना आपके फेस पर, वो सारी जो है ना आपको दूर हो जाएगी इससे लगाने के बाद। और आप खुद देख सकते हैं मेरे फेस पे पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क है, तो आप खुद बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ। तो आप लोग इस रेमेडी को ना ज़रूर जो है ना ट्राई करिए, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आप खुद देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ज़्यादा फ़र्क है, मुझे खुद समझ में आ रहा था कि मेरे फेस में मतलब कितना ज़्यादा चेंजमेंट हो गया है, और पहले से ज़्यादा मतलब जो एकदम से नहीं फेस क्लीन सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब देख रहे हैं आप, मुझे खुद लग रहा विश्वास, मुझे लग रहा था पता नहीं मैंने क्या ऐसा यूज़ कर लिया मेरे फेस पे, एकदम ना जैसे बच्चों की सॉफ्ट स्किन नहीं एकदम चिकनी सी हो जाती है, उस टाइप का मेरा फेस हो गया था। और मुझे खुद नहीं यकीन नहीं होगा मेरे फेस में तो इतना ज़्यादा एक बार में ही फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसे डेली यूज़ करें, बिल्कुल भी एक भी दिन इग्नोर ना करें, दो टाइम नहीं तो एक टाइम ज़रूर यूज़ करें, और बताइएगा मुझे कमेंट करके आपको कितना फ़र्क पड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।